गांधी परिवार इस वक्त लगातार कई संदेश देते हुए नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते कल 20 अगस्त के दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 79वीं जयंती सेलिब्रेट की गई और इस मौके पर पूरा ही गांधी परिवार भावुक होते हुए नजर आया। जहां एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देती हुई नजर आई स्थल वीर पर। वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख में है और वहां पर उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन इस मौके पर सोनिया गांधी भावुक होती हुई भी नजर आई। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सोनिया गांधी के इस वक्त कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं और एक वीडियो देखने को मिला है जिसमें सोनिया गांधी भावुक होती हुई नजर आई हैं। जहां एक तरफ खास कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी के साथ साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी बात रखी राजीव गांधी को याद करते हुए, वहीं दूसरी ही तरफ सोनिया गांधी भी अपने पति राजीव गांधी जी को याद करते हुए अपनी बात रखती हुई नजर आई है। किस तरह से वह इमोशनल होती हुई देखी गई हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। आप सभी को नमस्कार। राजीव जी कहते थे भारत एक प्राचीन देश है लेकिन एक युवा राष्ट्र है। उन्हीं के शब्दों में मैं नौजवान हूँ और मेरा भी एक सपना है। मेरा सपना है भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के सभी देशों में से प्रथम स्थान में लाना और मानव जाति की सेवा करना। आज जब हम राजीव जी के इन शब्दों को याद करते हैं तो समझ आता है कि देश के युवाओं और देश के किसानों के बिना यह सपना पूरा नहीं हो सकता। देश के किसानों से राजीव जी का अटूट लगाव था। उन्होंने कहा था यदि किसान कमज़ोर हो जाते हैं तो देश आत्मनिर्भरता खो देता है, लेकिन अगर वो मजबूत होते हैं तो देश की स्वतंत्रता भी मजबूत होती है। अगर हम कृषि की प्रगति को कायम नहीं रख पाए तो देश से हम गरीबी नहीं हटा पाएंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राजीव जी के इन सपनों को साकार करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। इन कदमों से लाखों किसानों का आर्थिक स्तर निरंतर सुधर रहा है, उनके जीवन में उम्मीद की किरण दिखाई देती है, परिवार में खुशी का माहौल। मुझे खुशी है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सरकार ने सब्सिडी के अलावा छत्तीसगढ़ के किसानों के उत्थान के लिए और भी बहुत से सराहनीय फैसले लिए जो दूसरे प्रदेशों के लिए एक मिसाल है। राज्य सरकार के इन फैसलों से जहां उत्पादन में वृद्धि हुई है वहीं किसानों की इनकम में बढ़ोतरी का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने न केवल भूस्वामियों के लिए बल्कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए भी अनेकों सार्थक कदम उठाए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण आंचल के भूमिहीन परिवारों, नगर पंचायत क्षेत्रों और सभी अनुसूचित क्षेत्रों के बेहद गरीब पिछड़े लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ऐसे परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा या कृषि मजदूरी से
जुड़े हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक लाखों परिवारों को 7,000 रुपये की सालाना सहायता भी दी है। मुझे इस बात का संतोष है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार राजीव जी के सपनों को साकार रूप दिया है। समाज के सभी क्षेत्रों, वर्गों, समुदायों और जन जन के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में अपने को समर्पित किए हुए हैं। सही मायने में राजीव जी के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर राजीव गांधी जी ने जिस तरह से उपलब्धियों को हासिल किया था और उनके कार्यकाल के दौरान जो अहम फैसले लिए गए थे, उन उपलब्धियों को गिनाती हुई नजर आई हैं सोनिया गांधी और वह भावुक होती हुई देखी गई हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।